तर काही लोकांनी धोका देऊन अस्थिरता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केलेला होता. नरेंद्र मोदींनी नाव न घेता उद्धव ठाकरेंवर ही टीका केलेली आहे. तसंच दिल्लीतून मोदींनी काँग्रेसवर देखील निशाणा साधलाय. साथियों, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्राने आज दाखवून दिले तुष्टीकरणाचा सामना कसा करायचा. लगातार तीसरी बार स्थिरता को चुनना ये महाराष्ट्र के लोगों की सूझबूझ को दिखाता है. बीच में जैसा भी नड्डा जी ने विस्तार से कहा था, कुछ लोगों ने धोखा करके अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की, लेकिन महाराष्ट्र ने उनको नकार दिया है और उस पाप की सजा मौका मिलते ही दे दी है. महाराष्ट्र ने डंके की चोट पर कहा है, एक है तो एक है तो सेफ है के भाव ने जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के नाम पर लड़ाने वालों को सबक सिखाया है, सजा की है. कांग्रेस पार्टी के लिए अब अपने दम पर सरकार बनाना लगातार मुश्किल हो रहा है. हाल ही के चुनावों में जैसे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा और आज महाराष्ट्र में उनका सुपड़ा साफ हो गया है.